हेलो एंड वेलकम टू कॉन् स्टडी दिस इज़ शेखर जी और आज हम जनरल साइंस का लेक्चर टू कवर करेंगे फ्रॉम द सिलेबस ऑफ जे के एस एस बी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट सो सबसे पहले अगर आपने अभी तक कॉन् स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशनस मिलती रहे जब भी नई वीडियोज चैनल पर अपलोड हो सो स्टार्ट करता है ओके दीज आर द आंसर्स जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ये उनके आंसर्स हैं तो आप अपने आंसर्स के साथ इनको मैच कीजिएगा और अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या समझ ना आया हो तो आप मुझसे मेरी टेलीग्राम चैनल एट द रेट ऑफ आस्क अंडर स्कोर ए आर एस एच आई ई पर पूछ सकते हैं सो so, मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में आप लोगों ने कहा था कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ ना करूं, सो नो बैकग्राउंड म्यूज़िक फ्रॉम टुडे तो स्टार्ट करता है सो so, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सो न्यूटन के तीन लॉज ऑफ मोशन हम सबको पता है वन बाय वन आज हम वो सब कवर करेंगे उन पर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके बाद आपके लिए भी कुछ क्वेश्चंस है जो आप खुद से ट्राई करोगे सो okay? so, स्टार्ट करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर होगी ठीक है कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है ओके वो एक जगह है रेस्ट में है या कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली ठीक है कोई भी बॉडी जो मोशन में है या कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर है वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी या तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक आप उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई नहीं करोगे सो so, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि नेट एक्सटर्नल फ़ोर्स क्या होता okay, तो है ओके एक्सटर्नल फ़ोर्स तो समझ आता है बट ये नेट क्या है सो so, आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगी से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बॉक्स है फाइन इस पर मैंने यहाँ से थ्री न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से भी थ्री न्यूटन फोर्स अप्लाई किया अगर मैं इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करूँ नेट फोर्स ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस है फाइन अगर मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूँ दैट विल बी ज़ीरो तो इस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है दिस बॉडी विल बी एट रेस्ट ये बॉडी मूव नहीं करेगी किसी भी डायरेक्शन में क्योंकि मैं इसको यहाँ से भी थ्री न्यूटन से खींच रही हूँ यहाँ से भी थ्री न्यूटन से खींच रही हूँ सो so, ये मूव नहीं करेगी दैट मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर एक्ट नहीं हो रहा सो so, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी चाहे वो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है अगर रेस्ट में है तो तब तक वो मोशन में नहीं आएगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फ़ोर्स ना हो और अगर वो मोशन में है तो तब तक रेस्ट में नहीं आएगी जब तक आप उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से फोर न्यूटन से खींचती हूँ तो दिस विल मूव ओके क्योंकि अब एफ एक्सटर्नल जो है नेट वो ज़ीरो नहीं रहा इसलिए अब ये मूव करेगी ओके okay. सो so, इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ये आप याद रखोगे मे भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है या फिर किस लॉ को न्यूटन के किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया क्योंकि इसमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है इनर्शिया क्या है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैं समझा चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा आगे चलता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेकेंड लॉ न्यूटन का कहता है सेकेंड लॉ इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसमें डेराइवेशन है फोर्स ओके फोर्स की किसी भी बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू उस बॉडी का मास कितना है इनटू एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हुई फाइन सो so, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेशन या हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें एक्सलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से हाउ मच एन ऑब्जेक्ट विल एक्सेलट फॉर अ गिवन नैट फोर्स यानी अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई किया उसमें कितनी एक्सलरेशन प्रोड्यूस होगी वो हमें न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है ओके सो यहाँ पे मैंने डेराइवेशन रखी है सेकेंड लॉ की आप मे भी सोच रहे होंगे कि हमारा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं हो रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है सो so, ऑफकोर्स हमारे मतलब पेपर में डेराइवेशन तो आएगी नहीं सो so, आप ये डेराइवेशन क्यों पढ़ रहे हो ये डेराइवेशन मैंने इसलिए इंक्लूड किया बिकॉज दिस इज़ इंपॉर्टेंट ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे सेकेंड लॉ पर उसमें हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको इन तीन में से कोई दो चीज़ें दी हुई होंगी और, और आपको तीसरी चीज़ कैलकुलेट करी करनी होगी मे बी कभी कुछ और दिया हुआ हो तो so आपको पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशन कैसे बनी अगर आपको पता हुई होगी तो मे बी कभी कोई और चीज़ भी दी गई होगी तो आप उसको यहाँ तक पहुँचा सकते हो ओके okay? सो so, इस इंटेंशन की वजह से मैंने ये डिरावेशन इसमें इंक्लूड किया एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो सो so, देखो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट्स सो सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है दैट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फोर्स ओके एफ दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मीन्स चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम पाइन अब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है मोमेंटम पी से हम बराबर होता है मास इन टू ओके अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम वी से फाइनल वेलोसिटी दिखाते हैं और u से इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं सो चेंज इन मोमेंटम होगा फ़ाइनल मोमेंटम कितना था माइनस इनिशियली कितना था फाइन अगर हमें किसी में चेंज निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं सो मोमेंटम है बिल्कुल वैसे ही एम वी माइनस एम यू वॉट इज़ एम वी दैट इज़ फाइनल मोमेंटम वाट इज़ एम यू दैट इज़ इनिशियल मोमेंटम सो इसको रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में एफ विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी ओके एम को कॉमन निकालते हैं सो एफ विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सॉरी इट इज यहाँ पे ये वी यू माइनस मीनी इट इज़ एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी ओके यहाँ पे यह, थोड़ा गलत हुआ है दट इज वी माइनस यू सो ये जो है वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी दिस इज इक्वल टू एक्सेन यही तो होती है एक्सेरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन सो वी माइनस यू दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम सो दिस विल भी इक्वलेंट टू एफ इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम ए मास इंटू विटी अब हम प्रपोशनैलिटी को जब भी इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है कॉन्स्टेंट ऑफ़ प्रपोशनैलिटी तो यहाँ पर दैट इज़ के सो एफ इज इक्वेलेंट टू के इंटू एम इंटू ए और इन एस आई यूनिट्स के का वैल्यू हम वन रखते हैं सो पुटिंग दैट इन दिस इक्वेशन एफ विल भी इक्वलेंट टू मास इंटू एक्सलरेशन आई होप आपको समझ आ गया हो कि मास ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास मास इन एक्सलेशन ये कहाँ से आई है सो मे बी कभी क्वेश्चन में आपको मोमेंटम दिया हुआ होगा चेंज इन मोमेंटम दिया हुआ होगा और बोला गया होगा आप मे बी फोर्स निकालो या कुछ और निकालो सो so आपको पता होनी चाहिए कि इस चेंज इन मोमेंटम से भी हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे ओके सो दिस वॉज द सेकेंड लॉ एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन इसी लॉ पर आता है आगे चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का तीसरा लॉ बहुत ही ईजी है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आप कोई भी एक्शन करो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा जो बिल्कुल मैग्नीट्यूड में उसके बराबर होगा बट बर डायरेक्शन में उसके अपोजिट होगा ओके okay? मानो एक ऑब्जेक्ट है ए इसने फोर्स कुछ फोर्स अप्लाई किया बी पर ओके okay? कुछ एक्शन जो ए अप्लाई करेगा बी पर दैट इज़ एक्शन बी जो है बिल्कुल उतना ही वापस रिएक्ट करेगा ए पर दैट विल बी रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उसकी रिवर्स होगी सो so, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स जितना ए बी पर अप्लाई करेगा वो बराबर होगा फोर्स के जितना बी ए पर अप्लाई करेगा बट माइंस माइंस मीन्स डायरेक्शन रिवर्स होगी जो न्यूटन का थर्ड लॉ है इट इज़ इन एसोसिएशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये भी आप याद रखोगे कि कौन सा लॉ जो न्यूटन का है दैट इज एसोसिएटेड विद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ फाइन सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे ये कुछ डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इसको हम एक्स भी रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम यहाँ दूसरा इसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम और और एक फार्मूला हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर सो ये कुछ फार्मूलाज है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है दैट इज़ डिफ्रेंसीशन ऑफ डिसप्लेसमेंट गिवस वेलोसिटी यानी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप उसकी डिफ्रेंसीेशन कर सकते हो डिफ्रेंसीेशन मैथ्स का टॉपिक है बहुत जल्दी आपकी मैथ्स की टीचर इस पर एक वीडियो अपलोड करेंगे एंड क्योंकि दिस इज़ एन एंटायरली डिफरेंट टॉपिक तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंसीेशन नहीं सिखा सकती फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल लिख देती हूँ मानूँ कि आपको दिया हुआ डिसप्प्लेसमेंट आपको एक्स स्क्वायर दी हुई है और आपको बोला गया है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू तो टाइम ओके okay. इसकी डिफ्रेंसीशन होगी टू एक्स फाइन अब वो कैसे होगी दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक सो बहुत जल्द आपके मैथ्स की टीचर उसका वीडियो अपलोड करेंगे एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपके लिए डिफरेंशन का वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ सो so, फिलहाल यहाँ पे देखते हैं तो दिस विल बी वेलोसिटी तो टू एक्स होगी आपकी वेलोसिटी एंड अगर आप फिर से एक बार इस टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे सो so, आपकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी टू फाइन दैट मीन्स कि अगर आप एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी मिलेगी दूसरी बार करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी फाइन या अगर आप दूसरी बार वेलोसिटी को करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी या फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को आपको एक्सेलरेशन मिलेगी यहाँ पर आप इसका ध्यान रखो कि डिफ्रेंसी ऑफ डिसप्लेसमेंट गिवस विलासटी डिफ्रेंसीशन ऑफ विलासिटी गिवस एक्सेलरेशन या फिर अगर हम इसी को डिसप्लेसमेंट को डबल डिफ्रेंश करें तो भी हमारे पास एक्सेलेशन आएगा और डिफर अगर हम इसी का रिवर्स कर दें डिफ्रेंसीेशन का रिवर्स इज इंटीग्रेशन सो दैट मीन्स अगर मैं एक बार एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास विलासटी आएगी विलासटी को करूँ तो डिसप्लेसमेंट आएगी या अगर मैं एक्सेलरेशन को ही दो बार इंटीग्रेट करूं तब भी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में इसलिए आपको याद रखना या मे बी इस पर ऐसी क्वेश्चन आए कि डिफ्रेंसीशन ऑफ वेलोसिटी गिव्स व्हाट फाइन या फिर आपको क्वेश्चंस में हो सकता है कभी आपको एक्सेलरेशन दी हुई हो और आपको वेलोसिटी निकालनी हो आपको वेलोसिटी दी हुई हो एक्सेलरेशन निकालनी हो तो आपको पता होनी चाहिए कि इनमें रिलेशन क्या आप कैसे निकाल सकते हो सो so, आगे चलते हैं आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम करेंगे यहीं पर इसी वीडियो में और उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप खुद से करोगे और उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दोगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी चेंज इट्स आप किसी भी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उससे उस बॉडी उस का क्या चेंज होता है पहला ऑप्शन डायरेक्शन चेंज होती है सेकेंड ऑप्शन मोमेंटम चेंज होता है थर्ड ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी उसकी चेंज होती है या फिर ये तीनों चेंज होता है देखो अगर मैं फ़ोर्स अप्लाई करूँ तो डायरेक्शन तो चेंज होगी येस मोमेंटम भी चेंज हो सकता है काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो सकती है सो द आंसर इज डी दिस इज़ द आंसर दैट मीन्स ये तीनों चीज़ें फोर्स से हम चेंज कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं ओके okay. यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मैं आपको सबसे पहले बात ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दी हुई है चीज़ आप उसको नोट डाउन कीजिए फाइन सो यहाँ पे क्वेश्चन है साइकिलिस्ट ऑफ मास थर्टी के जी तो सबसे पहले मास दिया हुआ है तो मैं लिख लेती हूँ मास इज़ थर्टी सॉरी दिस इज थर्टी के जी ओके okay. उसके बाद फोर्स दिया तो मैं लिख लेती हूँ फोर्स है टू फिफ्टी न्यूटन ओके इसने दिया से फोर्स ओके okay. फोर्स अप्लाइड जो है दैट इज टू फिफ्टी न्यूटन ताकि उसकी साइकिल मूव हो एक्सेलरेशन जितनी है सो so, एक्सेलरेशन इज फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हमें बोलना है वॉट विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स ओके देखो इसमें न्यूटन का सेकेंड लॉ अपला अप्लाई होगा जो कहता है फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ओके जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमें पता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है आप जहाँ अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड में लगेगा अगर आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड में लगे यानी वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सो so, हमेशा अगर हमें एफ़ नेट की बात करनी हो यहाँ पे मैं पहले आपको बताती हूँ यानी टोटल फोर्स वो हमेशा बराबर होता है कि जितना आपने फोर्स अप्लाई किया उसमें से माइन्स कर दो तो फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए उसमें से माइन्स करो फ्रिक्शनल फोर्स तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ले दैट मीन्स एफ नेट बराबर है फोर्स अप्लाइड माइन्स फ्रिक्शनल फोर्स ओके दैट इज इक्वेल टू मास इंटू एक्सलेशन ओके एफ़ नेट की जगह मैंने डाला एफ अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज इक्वेलन टू मास इंट एक्सलोरेशन सो एफ़ अप्लाइड कितना है टू फिफ्टी माइन्स करना है फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें यही फ्रिक्शनल फोर्स ढूंढना है ओके सो दिस इज सॉरी दिस इज़ टू फिफ्टी माइन्स फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ इक्वेलन टू थर्टी इंटू फोर ओके एफ फ्रिक्शनल विल भी इक्वलन टू टू फिफ्टी माइन्स दिस विल बी वन ट्वेंटी सो टू फिफ्टी में से वन ट्वेंटी निकालेंगे दैट विल बी एक्वेलेंट टू वन थर्टी ओके सो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वन थर्टी सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर आई होप आपको ये समझ आ गया होगा थोड़ा मैं स्क्रीन क्लियर करके आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कि हुआ क्या सो so, हमने देखा कि एफ़ नेट फोर्स बराबर होता है मास into एक्सेलरेशन ओके सो यहाँ पे फोर्स बराबर था फोर्स applied minus फ्रिक्शनल फोर्स वो बराबर था मास into एक्सेलरेशन मास थर्टी था acceleration फ़ोर थी सो so अप्लाइड था टू फिफ्टी frictional फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल भी वन ट्वेंटी दिस वन ट्वेंटी को इधर ले जाते हैं एफ़ को इधर लाते हैं सो दिस विल be टू माइनस वन थर्टी ओके दिस विल बी सॉरी वन ट्वेंटी दिस विल बी वन थर्टी इक्वल इन टू फ्रिक्शनल फोर्स ओके सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर आई होप आपको ये समझ आ गया बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आगे चलते हैं द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूसड बायोर्स देखो फोर्स फिर से दिया हुआ तो मैं लिख लेती हूँ फोर्स दिया हुआ है फिफ्टीन न्यूटन और मास दिया हुआ है एट के जी हमें एक्सेलरेशन ढूंढनी है फिर से सेकेंड लॉ पर क्वेश्चन है हमें पता है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इस टाइम पे हमें फ़ोर्स दिया हुआ है हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा फोर्स डिवाइड बाई मास फाइन ये मास इधर चला जाएगा और इसको इंटू कर रहा है तो फोर्स को डिवाइड करेगा सो so एक्सेलरेशन बराबर होगा फोर्स बाई मास वाट इज़ फोर्स फोर्स इज़ एटीन वाट इज मास मास इज़ सॉरी फोर्स इज फिफ्टीन वाट इज मास मास इज एट तो हमें एट को डिवाइड करना है फिफ्टीन से सॉरी, uh, सो so, हमें एट को डिवाइड करना है फिफ्टीन को डिवाइड करेंगे एट से दिस विल बी एट वनज आर एट दैट विल बी इक्वल इन टू सेवन सो पॉइंट चढ़ेगा यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेसिकली बेसिक basic से सिखा रही हूँ सो so, यहाँ पे ज़ीरो आएगा तो देखो हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है जितना टाइम बचा सकते हो आप बचाया करो यहाँ पे अब जो ही अब एक एक स्टेप कर रहे हो तो आंसर्स के साथ मैच करते जो हमारे पास अभी वन पॉइंट आया है तो देखो वन पॉइंट है क्या कोई एक ही ऑप्शन वन पॉइंट है फाइन सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर अगर आपको फिर भी श्योर होना है तो आप इसको थोड़ा और एक दो स्टेप आगे ले जाओ सो दिस विल बी एट एट आर सिक्सटी फोर हो जाएगा ये ओके okay, उसके बाद भी कुछ आगे चलेगा सो वन पॉइंट एट एक ही ऑप्शन है हमारे पास वन पॉइंट एट सेकेंड ऑप्शन सो दिस इज द करेक्ट आंसर ओके आगे चलते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास टू के जी ओके मास दिया हुआ 2 okay, है टू के जी इज स्लाइडिंग विद अ कॉन्सटेंट विलासिटी ओके कॉन्स्टेंट विलॉसिटी मीन्स इसकी विलोसिटी चेंज नहीं हो रही इट्स कॉन्सटेंट कितनी विलासिटी है फोर मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शन लेस ओके दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल टेबल एक हॉरिजेंटल टेबल है फ्रिक्शन लेस है यानी कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ठीक है और आपसे पूछा गया है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग इसी वेलोसिटी के साथ यानी वेलोसिटी भी चेंज नहीं करनी है आपको कितना फोर्स अप्लाई करना है ताकि ऑब्जेक्ट मूव करता रहे देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि तब तक एक ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई ना हो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है फ्रिक्शन भी कोई चीज़ ऐसा क्यों होता है कि जब आप कोई बॉल फेंकते हो तो वो आगे जाके थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करके खुद आगे चल के रुक जाती है उस पर तो कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं हुआ था नहीं उस पर फ़ोर्स अप्लाई हुआ था कौन सा फ़ोर्स अप्लाई हुआ था फ़्रिक्शनल फ़ोर्स अप्लाई हुआ था इसलिए वो कुछ डिस्टेंस चल के आगे जाके वो रुक जाती है ख़ुद से रुक जाती है क्यों क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फ़ोर्स अप्लाई हुआ था फाइन सो so, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है दैट मीन्स इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो हमें और कोई फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है ताकि चलती रहे ये वैसे भी नहीं रुकेगी क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पर है और कॉन्सटेंट वेलोसिटी से जा रही है सो द आंसर इज़ ज़ीरो न्यूटन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल दिया है तो उसको सॉल्व करना ही करना है आप न्यूमेरिकल जो दिया हुआ होता है उसको एक बार अच्छे से पढ़ा कीजिए और देखा कीजिए कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है ओके okay? आई होप आपको ये समझ आ गया हो आगे चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द टू फोर्सेज नेमली एक्शन एंड रिएक्शन कमिंग इन टू एक्शन वन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दीज टू फोर्सेज तो क्या था न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एक्सप्लेन करता है एक्शन और रिएक्शन यानी अगर ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज कॉल्ड एक्शन बी वापस ए पर अप्लाई करेगा दैट विल बी रिएक्शन सो so, ये जो दो फोर्सेस है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी क्या वो हमेशा एक ही बॉडी पे एक्ट एक्ट करता है दैट मीन्स ए बी पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और बी भी बी पर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है नो दिस इज़ रॉन्ग वाइट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं हैव सेम मैग्नीट्यूड यस मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन सेम नहीं होती दिस इज़ रॉन्ग एक्ट्स ऑन आयदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर नॉर्मल मीन्स नाइन्टी डिग्री कैसा है कि दोनों में से एक बॉडी पर अप्लाई होता है और नाइन्टी डिग्री पर अप्लाई होता है नहीं सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं एक्ट्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी हाँ हमेशा डिफरेंट यानी ए हमेशा बी पर करेगा और बी ए पर करेगा ऐसा नहीं है कि ए भी बी पर करेगा और बी भी बी, बी पर ही करेगा सो यस इन अपोजिट डायरेक्शन यस हमेशा डिफरेंट बॉडी पर एक्टर होगा एक्ट होगा और डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो ये क्वेश्चन समझ आए हो आप कुछ क्वेश्चन हैं जो आप खुद से ट्राई करोगे और उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दोगे सो so, मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ और आपको हिंट देती हूँ थोड़ा सा कि कैसे इनको, इनको सॉल्व करना है इनको कैसे अप्रोच करना है द स्पीड ऑफ अ कार सबसे पहले मास दिया हुआ है तो आप मास लिख लो फिफ्टीन हंड्रेड के जी उसके बाद इंक्रीजेस फ्रॉम थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आवर टू सेवेंटी उसके बाद एक वेलोसिटी दो दी हुई है ठीक है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है ये किलोमीटर पर आवर में आप उसको मीटर पर सेकेंड में कवर कीजिएगा कन्वर्ट कीजिएगा सॉरी सो so, मैं आपको एक का दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं थर्टी सिक्स इंटू किलोमीटर कितना होता है एक मीटर में कितने किलोमीटर होता है थाउजेंड डिवाइड बाई एक आर में कितने सेकेंड्स से होते हैं थर्टी सिक्स हंड्रेड सो दिस विल भी ये इसके साथ कटेगा टेन टेन मीटर पर सेकेंड सो so, जो ये यहाँ पे है दिस इज़ टेन मीटर पर सेकेंड इसी तरीके से आप सेवेंटी टू को भी कन्वर्ट कीजिएगा देखिएगा वो कितना आएगा उसके बाद पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम मैंने आपको कहा था चेंज इन मोमेंटम जो होता है दैट इज़ इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज़ एम वी माइंस एम यू दिस इज़ यू ओके दैट इज़ टेन मीटर पर सेकेंड दिस विल बी वी जितना भी आएगा और उसके बाद एम तो आपके पास ऑलरेडी है ओके दिस विल बी वी माइंस यू सो इससे आपका आंसर आ जाएगा फाइन एम आपके पास है वी आपको कैलकुलेट करना यू कैलकुलेट करना दोनों को माइंस करना एम से मल्टीप्लाई करना है दैट विल बी योर आंसर सो so, अब मैंने पूरा मेथड ही बता दिया है सो so, अब आपको अब आप कर सकते हो ये आई होप सो आगे चलते हैं विच लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया मैं पढ़ा चुकी हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया किस लॉ को कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलिंग शुड बी कॉन्सटेंट फॉर अ बॉडी टू हैव अ कॉन्स्टेंट मोमेंटम इनमें से क्या कॉन्स्टेंट होना चाहिए ताकि आपका मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो इसके लिए एक छोटी सी हिंट है आप देखिए मोमेंटम किसके बराबर होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो फिर कि क्या क्या कॉन्स्टेंट रखने से मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा ओके ओके दिस इज़ अ क्वेश्चन इफ वई प्लेस सम कॉइंस ओवर द पेपर स्ट्रिप एंड पुलट विद अ जर्क देन कॉइंस डोंट फॉल ऑफ बिकॉज ऑफ अगर हम कुछ कॉइंस रखे पेपर स्ट्रिप पर ओके और पेपर स्ट्रिप को एकदम से हाँ, हटा ले एकदम जर्क से पुल करें यानी एकदम से हटा ले तो वो कॉइन जो है ना वो नहीं हिलती है या हम कभी क्या करते हैं हम ग्लास एक रखते हैं मानो मैंने किसी क्लॉथ पर फाइन ग्लास एक रखा किसी कपड़े पर उसके बाद एक झटके से कपड़ा निकाल दिया वो ग्लास नहीं गिरता ऐसा क्यों होता है फ्रिक्शन की वजह से नहीं गिरता इनर्शिया की वजह से नहीं गिरता रेजिस्टेंस की वजह से या फोर्स की वजह से नहीं गिरता आप इसका आंसर कमेंट्स में लिखिएगा ओके okay, एक स्ट्रिंग है एक धागा है जिसको दो साइड से खींच रहे हैं ठीक है थीके? यहां से भी टेन न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है यहां से भी टेन न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है आपको बोलना इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा ओके सो लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ न्यूटन न्यूटन का कौन सा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एसोसिएटेड है मैं ये भी पढ़ा चुकी हूँ आपको आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा न्यूटन के तीनों लॉज आपको समझ आ गए होंगे अगर कोई भी डाउट है आपको आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा और अगर आपको किसी भी चीज़ का आ, कोई डिटेल डिस्कशन चाहिए या आपको कुछ और पूछना हो मुझसे तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल ऐट द रेट ऑफ आस्क अंडर स्कोर अस्सी पर आइए सो थैंक यू अपने आंसर्स कमेंट कीजिएगा नीचे गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग बाय